दिखाओ, तो इतना शरीफ है, दिखाओ कहाँ है मोबाइल इसका, दिखाओ दिखाओ कितने चालू है अम्मा वो ये पोता दादी पोता कितने चलाक है। हाय वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है वन एंड ओनली जैसिका मिश्रा। जल्दी निकलो, दे आर डूइंग द शूट, हर शूट चालू है। सो हमारे यहाँ पे शूट चालू है, चलो निकलो फटाफट। देखिए कल मैंने नेल पेंट लगाया था, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हमेशा जाने के टाइम ही बोला करो पीछे से, परेशान नहीं करोगी? ठीक है तो लाऊंगी, चलो। अरे तुम सब अंदर जाओ, उनका शूट चालू है। हाँ जा, अरे उनका शूट चालू है, जाओ। अरे जाओ, ले आऊंगी, जाओ। फिलहाल निकल चुके हैं और देखो सामने जो है शूट भी चालू है कोई, सो ये लोग हैं जो शूटिंग कर रहे हैं। ओ, तो आज हम लोग निकले हैं सुबह है अभी 10 बजने वाले हैं और हमें 11 बजे तक पहुंचना है मड आइलैंड 2। हमको जाना है बांद्रा कुर्ला। अब जो लोग मुंबई के हैं उनको पता है बांद्रा कुर्ला कहाँ पे है, और जो नहीं है उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, ये मड आइलैंड से अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर की दूरी पे होगा। 15 किलोमीटर तो होगा। हाँ तो ये अब यहाँ पे हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वापस से हम लोगों को कोई बिजनेस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो उसके लिए हमें एक मीटिंग के लिए जाना है। सो हाँ जा रहे हैं GST ऑफिस। हाँ तो ठीक है, आना जाना तो लगा ही रहता है, क्योंकि अगर बिजनेस करते हैं, लाइफ है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, कॉमन। तो ठीक है, लेट्स गो। एंड वहाँ का थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, जैसे मैंने पिछली बार दिया था, अलाउड बिल्कुल नहीं होता, पर थोड़ा बहुत तो दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं आगे। सो फाइनली हम लोग आ गए GST भवन, हमें राइट जाना है। चलो फिलहाल तो गाड़ी पार्क करते हैं, यही लेफ्ट में होगी ना पार्किंग। सो गाइज, ये देखिए, ये है डबल डेकर नई बस। अलाउड नहीं था फिर भी मैंने शूट कर लिया। सो गाइस, जिस काम के लिए गए थे राधा रानी की कृपा से वो हो गया, हो गया ही समझिए, हमें राधा पे इतना भरोसा है, तो क्या हो गया ऐसा। तो बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बांद्रा से निकल हम लोग जा रहे हैं चेम्बूर हमारे फ्रेंड से मिलने। तो बस निकलते हैं, देखिए बाहर के नज़ारे देखिए कितने लुभावने हैं। और किसी ने हमें बताया कि आप मैप से ना जाके आप एक शॉर्टकट है वो लीजिए, आप एकदम स्पीड में पहुंच जाएंगे, तो वो शॉर्टकट आज ट्राई करने वाले हैं। जियो वर्ड के अंदर जाके कहाँ है वो जियो वर्ड, वो लेफ्ट वाला वो जियो वर्ड। हाँ ये सीधा जाना ना, ये था शॉर्टकट। तो देखिए जब राधा रानी आपके साथ होते हैं तो लोग किस तरह से आपकी मदद करने स्वयं आते हैं। तो हमें किसी ने बताया था शॉर्टकट है, डायरेक्टली है
सो हम आए थे चेंबूर और यहाँ गए और जाके घूम फिर के अपना आ भी गए। और ये देखिए पूरी मार्केट। अभी हम लोग जा रहे हैं घर का कुछ थोड़ा बहुत सामान लेंगे। हो सर में दर्द हो रहा है। चेंबूर से गाड़ी निकालना मतलब बहुत झंझट मारी। सो फिलहाल हम लोग एक जगह जा रहे हैं, हमें रेकमेंड की है हमारे फ्रेंड ने कि वहाँ से आप जाओ, तो घर का थोड़ा बहुत सामान हमें जो खरीदना है वहाँ से खरीदेंगे आज। तो यहाँ पे हमें वेजिटेबल्स तो मिल गई, सही है, अच्छा खासा है, देख लेती हूँ फटाफट। सो गाइस देखिए कितना रश है, आपाधापी है पूरी, डीजल के लिए पूरे के पूरे पेट्रोल पंप जाम हुए पड़े हैं इस टाइम पे। इतनी तेज हवा चल रही है, धूप भी है, हवा भी चल रही है। अरे ठीक तो लगी हुई है यार। हाँ मिलेगी, नहीं समझे। हाँ नमस्ते, और बढ़िया। 8 समोसे, 8 समोसे और आधा किलो जलेबी। नहीं नहीं वो खाना खा रहे होते बैठ के। अच्छा। मेरा भी कैंसिल हो गया पूरी जाने का, उनका भी कैंसिल हो गया, हमारा भी कैंसिल हो गया, पूरी जा रहे थे हम लोग। नहीं लेकिन हम वृंदावन तो होके आए। तो लेके आनी चाहिए थी ना पहले ही, पहले पता नहीं होता ना। ले आओ आपके पास से, वहाँ भी खाएंगे ना। चलो ले आओ फटाफट, खा लिया तो पुरख है ही नहीं। अभिनव गए हैं गाड़ी लेने। सो अभिनव अभी आ रहे हैं गाड़ी लेके, मेंढक सी गाड़ी। ये भी सामने खड़े होके हाय हेलो कर रहे हैं। ठीक है चलो गुड। अभी हम लोग खाएंगे मिल्क केक। इन्हें भी बड़ी खुजली है गया। तो अब यहाँ पे हम कुछ खाने आए हैं, सब पाव भाजी सेंटर, पाव भाजी खानी है, मंचूरियन खाना है। पेट्रोल और डीजल है उसकी थोड़ी शॉर्टेज है, तो देखो पूरा जाम लगा हुआ है और पुलिस वगैरह भी आ गई है अभी, तो इससे पहले जाम लग जाए हम निकल जाते हैं। सो हम घर पे आ गए और देखो दादी पोता कैसे बैठे आराम से खा पी रहे हैं। आहान, अरे चलो मैं मार दूंगी जोर से, पागल पागल। क्या खा रहे बैठे बैठे है? तुम्हारे को इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता क्या? आवाज पिटाई हुई है, इतना शांत क्यों बैठा है? मोबाइल भी नहीं यूज कर रहा? अच्छा यानी कि मोबाइल था तेरे हाथ में, दिखाइयो तभी कहूँ तो इतना शरीफ कह रहे। दिखाओ कहाँ है मोबाइल इसका, दिखाओ दिखाओ, कितने चालू है अम्मा वो ये पोता, दादी पोता कितने चलाक है। गाड़ी छोड़ के कैसे आराम से बैठे, देख शक्ल देख। संत बनने की जरूरत नहीं है। सो गाइस जैसे कि आपको पता है हम घर पे आ गए थे, तो घर पे आने के बाद थोड़ा सा जो सामान लाई थी वो रख दिया है, तो जिसमें है समोसे जलेबियां, भूख लग रही है, पर अपने पेट को देखते हुए ऐसा लगता है
खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। मुझे सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह से। अभी अभी इन्होंने राइस लिए थे, वो भी मैंने एक चम्मच खा के देखे, भूख इतनी ज्यादा लग रही है। बस अभी गई तो तभी गई ऐसे। अमान ने भी व्लॉगिंग चालू कर दी है। इसका इसका भी चैनल है। अभी कोला माल है ना, समझ रहा है, पर कर तो रहा है। बहुत बढ़िया, लो बेटा बहुत बढ़िया। तो आप इसका भी चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे ही चैनल में आपको बच्चों का चैनल भी दिखेगा, जिसमें आपको जैनेट का भी दिखेगा, आहान का भी दिखेगा, सबके ही मैंने ऐड ऑन कर रखे हैं। मेरे खुद के बाकी के चैनल्स भी हैं, वो सब भी आप जाके फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो फटाफट गर्मा गर्म समोसे निकाल लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ। आपके चैनल पे लोग आएंगे ना तब देखेंगे। और काम वगैरह भी अच्छे से हो गया, बाकी एक दो दोस्त लोगों से मीटिंग हुई और घर पे आ गए हैं। बाकी और लोग, ये मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था, थोड़ा सा और खा लो। और नहीं, अब नहीं खाऊंगा। आहान फोन रखने के बाद तुम खा लो। अरे बेड पे गिरेगा, सीधा बैठ के खाओ, लेट के तरीके से खाया कर। हाँ ऐसे खा। फिलहाल हम लोग खा पी लेते हैं। चलो यार खा लो, अच्छे से प्रवचन खत्म नहीं होने। दो घंटे लगे।